फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है उसे हम घर में ना बनाकर बाहर बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सबसे फेमस रेसिपी है जो कि मालवा में बनाई जाती है। हम बनाएंगे बाटी, वो भी कंडे के अंगारे पर। तो यहाँ पर मैंने जो कंडे हैं वो लगा दिए हैं और ये बाटी हम बना रहे हैं 15 से 20 लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, हम सब मिलकर बना रहे हैं, इसमें मेरी भाभी, भैया और जो सभी हैं भाई बहन, सब मिलकर इसे बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो आटा है वो गूँथ लिया है। आटे की जो गूँथने की रेसिपी है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो इस तरीके से बाटी हमने बना ली है। अब जो अंगारे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ठंडी की रातें थीं और इस पर हम जो बाटी सेक रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, ये देखिए। तो जो कंडे अच्छे से, जिनके अंगारे नहीं बन पाए उन्हें एक्साइट कर देंगे, और जो अच्छे से अंगारे जिनके रेडी हो चुके हैं उन्हें एक्साइट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कंडे को कहीं पर उपले बोले जाते हैं, तो ये उपले हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो सर्दियों में आप बाटी तो ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, तो सारी बाटी हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब क्या है, ये जो अंगारे हैं उनको हम फोड़ देते हैं इस तरीके से, और थाली से प्लेन कर देते हैं ताकि हमें जो बाटी है उन्हें रखना आसान हो जाए, ये देखिए। और इन्हें क्या रहता है, जो अंगारे रहते हैं उन पर हमें जल्दी जल्दी इन्हें पलटना रहता है, ये देखिए। और 15 से 20 मिनट में हमारी बाटी बहुत अच्छे से सीख जाती है। तो सभी को हम अलटते पलटते हुए सेक लेंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स, आप इसे एक मिनी व्लॉग भी समझ सकते हैं। बाटी सेकते सेकते सब आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इंजॉय करते हैं, और खाना भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, जो थोड़े थोड़े से जब इस पे दाग लगने लगते हैं तो हम इसे जल्दी जल्दी पलटते जाएंगे। और ये मालवा की ऐसी रेसिपी है कि जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत फेमस रेसिपी है। और फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे से घी में डिप करके बनाया जाता है, तो बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है, ये देखिए। तो लगभग पक चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम बाहर बैठे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और साथ में बैठकर बाटी सेक रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, जब वो सीख जाती हैं तो हम उन्हें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से अंगारों में भर के रख देते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इन्हें हम भर देते हैं अंगारों के बीच में, मतलब एक राख जैसा भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, तो ये जो बाटी है वो फट जाती है। ये देखिए, सभी को थाली में निकाल लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर एक कपड़े से इन्हें साफ कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं बाटी में। अब चलते हैं अंदर और जल्दी से इन्हें गरम गरम घी में डिप करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से बाटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, और जो हम ओवन में बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत अलग लगता है। तो इस तरीके से फोड़ लेंगे और मस्त से गरम गरम घी में इसे डिप कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। वाह, अगर इस बाटी को देखकर आपके मुंह में आ रहा हो पानी, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सारी बाटियों में घी लग चुका है, मैं आपको हमारी थाली दिखा देती हूँ। तो इसमें आज क्या बना है, दाल बाटी चावल, थोड़ा सलाद है, पापड़,